यह सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है। आनंद पुष्कर जी चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं सभी शिक्षक गण से यह अपील करना चाहूँगी कि इनके पिताजी वर्षों तक सभी शिक्षकों की आवाज़ को सदन में उठाते रहे। महागठबंधन के हर घटक दल ने कहा, सारे शिक्षकों ने मुझे संबलता प्रदान किया। आनंद पुष्कर जी को अपना पहली वरीयता का वोट देने का काम करें और जो पांडे जी का अधूरा सपना है, जो हमारे शिक्षक गण हैं उन लोगों का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने का आनंद पुष्कर जी काम करेंगे। बार यह महागठबंधन की जो सरकार है जिसने अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शिक्षकों के मसले को शामिल किया है। अपील करता हूं कि आप उस पर आनंद जी को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बना, पुष्कर जी को प्रथम वरीयता का अपना मत देकर उनको विजयी बनाएं। और आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया गया है। हम तमाम शिक्षक मतदाताओं से अपील करने आए हैं, अपील करना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय गार्जियन श्री स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे के पुत्र श्री आनंद पुष्कर जी को अपना मत देकर के उनको भारी मतों से। 31 मार्च 2023 को हम लोगों का यह चुनाव होने जा रहा है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य हेतु महागठबंधन के प्रत्याशी आनंद पुष्कर जी इस बार चुनावी मैदान में हैं। केदारनाथ पांडे के पुत्र हैं आनंद पुष्कर, जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सिवान शहर के भगवान पैलेस में किया गया। साथ ही कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। सांसद कविता सिंह, MLC विनोद जायसवाल, विधायक पप्पू पांडे सहित कई बड़े नेता ने मन से अपील की कि महागठबंधन के प्रत्याशी आनंद पुष्कर जी को प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनावे। तो सुनिए कई बड़े नेता ने क्या कुछ कहा और आनंद पुष्कर जी ने क्या कुछ अपील की। आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यह सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी को शिक्षकों ने चुनके 2020 से 2026 तक के लिए अपने बिहार विधान परिषद में भेजा था और वह सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों की लड़ाई को लगातार लड़ते आ रहे थे और अचानक 23 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद बिहार के हर वर्ग के शिक्षकों ने मुझे कहा, महागठबंधन के हर घटक दल ने कहा, सारे शिक्षकों ने मुझे संबलता प्रदान किया क्योंकि विगत 15-20 वर्षों से हम लोग लगातार शिक्षकों की समस्या को देखते आ रहे थे। पिताजी के साथ हम लोग काम करते आ रहे थे, उनके कुछ संकल्प थे, उनके कुछ जो स्वप्न थे शिक्षकों के लिए, जो स्वप्न थे चाहे वह नियोजित शिक्षक हो या वित्तहीन के शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हो, संस्कृत के शिक्षक हो, महाविद्यालय के शिक्षक हो, हर वर्ग के शिक्षकों की लड़ाई लगातार वो लड़ते आ रहे थे। आज हम लोग यहाँ जो आए हैं, 31 मार्च 2023 को हम लोगों का यह चुनाव होने जा रहा है, इसी चुनाव में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। सभी शिक्षक साथियों से यह अपील करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि मैंने 10 मार्च 2023 को अपना नामांकन दाखिल किया है सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के यह उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में, और यह चुनाव के लिए ताकि शिक्षकों का जो अधिकार है, उनका जो सम्मान है, उनकी जो लड़ाई है, उनकी लड़ाई को, उनके सम्मान को हम लोग दिला सके। क्योंकि हमारे पिताजी बराबर कहते थे कि शिक्षकों के मसले को राजनीतिक दलों को शामिल करना चाहिए और पहली बार यह महागठबंधन की जो सरकार है जिसने अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शिक्षकों के मसले को शामिल किया है। तो यही हम लोगों का विचार है, यही हमारी लड़ाई है।
सरकार जब शिक्षक प्रदर्शन करते हैं तो लाठी चलती है, तो फिर आप उनका विरोध कैसे करेंगे? आप फिर पार्टी से रहेंगे तो देखिए पीटे जाते हैं ना, ये सब टूटते हैं, जेल जाते हैं, तो फिर कैसे उनका समाधान? कोई भी राजनीतिक दल यह बर्दाश्त नहीं करता है और कोई भी माननीय यह बर्दाश्त नहीं करते हैं कि शिक्षकों के ऊपर किसी तरह का लाठी चार्ज किया जाए। आप सबने देखा होगा कि जब भी लाठियां चली है, केदारनाथ पांडे और प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और हमारे बैठे हुए जो विधायक हैं और हमारे सांसद हैं, उन महोदय ने पुलिस का जम के विरोध किया है और जो भी पुलिस ने यह हरकत किया था उस पुलिस के ऊपर कार्रवाई भी सरकार ने किया है। इसलिए ही हम लोग चुन के जाते हैं कि हमारे जनता जनार्दन शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं हो। अपील करता हूं कि बैलेट में मेरा स्थान एक नंबर पे ही हमारा नाम आनंद पुष्कर लिखा हुआ है और हमारे नाम के सामने वही की रखी हुई जो कलम है, वही की रखी हुई कलम का उपयोग करते हुए प्रथम वरीयता का रोमन में एक सीधे लकीर खींच देनी है। वह जो वोट है वो केदारनाथ पांडे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का मत होगा और शिक्षकों की लड़ाई को हम लोग मिल के लड़ते रहेंगे और यह सरकार ने जो सम्मान दिया है वह सरकार सम्मान दे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों से अपील करते हैं कि विधान परिषद में जो शिक्षक प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और शिक्षकों के सवालों को लेकर लगातार वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष माने नहीं रखता है शिक्षकों के सवाल को लेकर। आप सदन की कार्रवाई देखते होंगे तो उस क्रम में दिखता होगा कि सत्ता पक्ष के लोग भी उसी मजबूती के साथ शिक्षकों के सवाल, शिक्षकों की सुविधाओं के लिए, शिक्षकों के सम्मान दिलाने के लिए आवाज़ बुलंदी से रखते हैं, मजबूती से रखते हैं। और हम लोग बिहार विधान परिषद में स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के नेतृत्व में शिक्षकों की मुद्दे को लेकर बातों को रखते थे। अब वो नहीं रहे, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि शिक्षा वरीयता का मत लेकर यही बना रहे। देखिए आज महागठबंधन के प्रत्याशी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद थे, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके सुपुत्र कर्मठ एवं ऊर्जावान श्री आनंद पुष्कर जी चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं सभी शिक्षक गण से यह अपील करना चाहूँगी कि इनके पिताजी वर्षों तक सभी शिक्षकों की आवाज़ को सदन में उठाते रहे और सड़क से सदन तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया और उनके लिए बहुत सारे कार्य किए और उनके सुपुत्र आज उनके मृत्यु के उपरांत जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी सभी शिक्षकगण से यही अपील होगी कि जिसका जो है जो कार्य उन्होंने किया उनके अधूरे सपनों को पूर्ण करने के लिए आनंद पुष्कर जी को प्रथम वरीयता का अपना मत देकर उनको विजयी बनाएं। देखिए स्वर्गीय श्री केदार पांडे जी हम लोग का अभिभावक थे और जो भी शिक्षकों की समस्या होती थी सदन में उठाने का काम करते थे, सहयोग करने का काम करते थे और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं। उनके सुपुत्र श्री आनंद पुष्कर जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और जितने हम लोग जनप्रतिनिधि हैं महागठबंधन के, हम लोग जो भी शिक्षकगण हैं सबसे अपील करने का काम करेंगे कि आनंद पुष्कर जी को अपना पहली वरीयता का वोट देने का काम करें और जो पांडे जी का अधूरा सपना है, जो हमारे शिक्षक गण हैं उन लोगों का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने का आनंद पुष्कर जी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं मीडिया के माध्यम से आए हुए सारे शिक्षक का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं जो पुष्कर आनंद जी महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं उनमें वो टैलेंट है जो स्वर्गीय केदार पांडे जी का
पूरा जो भी उनका कार्य रहा उनको पूरा करेंगे। ये इनके व्यक्तित्व से झलकता है और मैं जितने भी शिक्षक बंधु हैं मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये एक योग्य उम्मीदवार है और स्वर्गीय केदार पांडे जी का जो भी आपने कार्यकाल देखा मुझे लगता है कि वो शिक्षक के लिए जितना किए वो हमेशा आप लोग को स्मरणीय रहेगा और हम लोग भी महागठबंधन के तरफ से शिक्षक का जो भी प्रॉब्लम आता है विधान परिषद में संजय जी भी बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं, हम लोग ने भी उठाया है। आपने देखा होगा कि आप लोग का काफी प्रॉब्लम सॉल्व इस सरकार ने की भी है। मैं आज प्रेस वार्ता में भारतीय कांग्रेस पार्टी के राज्य सचिव की हैसियत से आपके बीच अपील तमाम शिक्षकों के करने आया हूँ कि महागठबंधन के घोषणा पत्र में है समान काम समान वेतन। हम आनंद पुष्कर को महागठबंधन की ओर से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण से आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया गया है। हम तमाम शिक्षक मतदाताओं से अपील करने आए हैं कि आप अपार बहुमत से प्रथम वरीयता का भोग देकर 21 मार्च के मतदान में अपार बहुमत से विजयी बनावे। हम सारे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक बंधुओं से अपील करना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय गार्जियन श्री स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे के पुत्र श्री आनंद पुष्कर जी को अपना मत दे करके उनको भारी मतों से विजयी बनाए। ये हम शिक्षकों का आवाज़ उच्च सदन में बहुत ही मजबूती तरीके से रखेंगे और हम लोगों को आशा है इनके नेतृत्व में हम लोगों का जो भी दिक्कत जो भी परेशानियां हुई हैं वो दूर होंगी और फिर पुनः एक बार तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं बहन भाइयों से निवेदन है कि प्रथम वरीयता का मत देकर श्री आनंद पुष्कर जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए।